नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं 30 केंद्रीय मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री व मोदी सहित कुल 72 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू गांधी के बाद मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। वहीं उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में भी 5 में से 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इसमें पहली बार सांसद बने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 9वें नंबर पर केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। वहीं अहिरवाल के दिग्गज नेता, 6ठी बार सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 32वें नंबर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ दिलाई। हालांकि स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले राव पहले मंत्री थे, लेकिन जैसे राव को राज्य मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई गई, कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल दिखाई दिया। समर्थक तो समर्थक होते हैं, भले ही केंद्रीय मंत्री पद की उम्मीद थी, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी पहले नंबर पर शपथ दिलाने से वह खुश नजर आए, यही समर्थकों का जज्बा होता है। वहीं फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। राव या गुर्जर लगातार मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री बने हैं। राव कांग्रेस सरकार में भी विदेश व रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राव को यहां भी प्रमोशन नहीं मिल सका। महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज, प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र राव इंद्रजीत सिंह का केंद्रीय मंत्री पद तक नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े करता है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। वहीं दूसरी ओर अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने 23वें नंबर पर केंद्रीय मंत्री पद के रूप में शपथ ली। भूपेंद्र यादव मूलतः गुरुग्राम के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं और पहली बार सांसद बने हैं। इससे पहले मोदी 2 सरकार में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रहे हैं। चूंकि हरियाणा में महज 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अहिरवाल की 14 विधानसभा सीट को साधने के लिए राव समर्थक केंद्रीय मंत्री पद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से समर्थकों को झटका लगा है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, वहीं 6ठी बार सांसद बनने वाले पहले हरियाणा के नेता हैं। ऐसे में राव समर्थकों की उम्मीदें गलत नहीं ठहराई जा सकती। वरिष्ठता के लिहाज से उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राव का अहिरवाल में अपना प्रभाव है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में उनको बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हो सकी। वहीं दूसरी ओर खट्टर को 9वें पद पर शपथ दिलाने से समझा जा सकता है कि बीजेपी में उनकी हैसियत क्या है। वहीं खट्टर में भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं घाव में नमक छिड़कने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में 5 सीट गंवाने वाली बीजेपी के सामने विधानसभा की डगर आसान नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरह से दक्षिण हरियाणा में कहीं ना कहीं तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नमस्कार। I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.